भाषा में हम इसको पीरियड पेन के नाम से समझ सकते हैं। तो सिर्फ पीरियड पेन होना एंडोमेट्रियोसिस है नहीं, पर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको बता सकती है कि शायद आप में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। पहला बात ये समझने का ज़रूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस एक लंबा क्रॉनिक प्रॉब्लम है। एक पीरियड पेन से हम एंडोमेट्रियोसिस नहीं डायग्नोस करते हैं, बट एंडोमेट्रियोसिस के इतने सारे सिम्टम्स हैं जो ओवरलैप करते हैं और भी बीमारियों के साथ, जैसे बाउल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या अदर पेन फैक्टर्स जिसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट सो इसके वजह से एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस करना इतना ईजी नहीं है। बट स्टिल अगर आप बचपन से आपके पीरियड पेन होती है, मे बी जब आप पहली बार आपका पीरियड शुरू हुआ जिसको हम मेनार्की बोलते हैं, जब आप 11 साल के थे, 12 साल के थे, 10 साल के थे, तब से अगर आपको पेन उसी समय से शुरू हो गया या पीरियड के 2-3 साल बाद से आप नोटिस करने लगे कि आपके पीरियड में हर महीना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आपकी स्कूल मिस हो रही है, या अगर आप थोड़े और मतलब उम्र में बड़े हो या आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हो या आप वर्क नहीं जा कर पा रहे हो, आप मीटिंग्स कैंसिल कर रहे हो बिकॉज आपका पेन इतना सिवियर है, डेफिनेटली इट कैन बी एंडोमेट्रियोसिस। बचपन में तो मेनली प्रॉब्लम्स पेन के ही होते हैं। बहुत बार ऐसे भी होता है पेन के साथ यू माइट बी बहुत एंग्जाइटी हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, बुखार आ सकता है, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। ये फीलिंग ऑफ टायर्डनेस सिर्फ पीरियड के समय नहीं, मे बी एक हफ्ता पीरियड के पहले से या 2 हफ्ता या कोई कोई लोगों को पूरे पूरे महीने रहते हैं। धीरे धीरे जैसे दिन जाता है, उम्र ईयर्स बढ़ती है, विथ यू हैविंग पीरियड पेन, पेन का पेन बढ़ता है, द टाइम ड्यूरेशन फॉर द पेन दैट ऑल्सो इंक्रीजेज। सो दिस इज वन मेन सिम्टम फॉर एंडोमेट्रियोसिस, पेन। एसोसिएटेड सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं फ्रॉम हेड टू टो। एंडोमेट्रियोसिस मेनली एक इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है शरीर में, सो इट कैन अफेक्ट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, बट बाय एंड लार्ज हम जो नॉर्मल कॉमनली हम देखते हैं, गैस्ट्राइटिस, ब्लोटिंग, तुरंत कुछ खाया एंड देन यू फील दैट ओ माई गॉड हमको ये नहीं खाना चाहिए था, दैट इज़ वन प्रॉब्लम। दिस यू कैन हैव डायरिया, यू कैन हैव क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। बहुत पेशेंट्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस उनको पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है बिकॉज टॉयलेट एवरी डे क्लियर नहीं होता है। यूरिनरी कंप्लेंट्स हो सकते हैं, रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या पीरियड के समय ब्लड इन यूरिन। यू कैन अगर लंग्स अगर अफेक्टेड है तो यू कैन कॉफ आउट ब्लड या साइक्लिकल कॉफिंग ऑफ ब्लड, जब आपके पीरियड का समय हो उस समय आप ब्लड कॉफ कर रहे हो। दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स एंड वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। नॉन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या हुआ, बैक पेन, पेन गोइंग टू द लोअर पार्ट ऑफ योर लेग्स। एंडोमेट्रियोसिस में नर्व्स काफ़ी अफेक्ट हो जाते हैं, सो मे बी योर नर्वस सिस्टम इज हाइपर एक्टिव जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम थे, ड्राइनेस ऑफ माउथ, एंगजाइटी, पैलर, यू फील वेरी फटीग्ड, कोई आपको आके बोलेगा तो तुम इतनी सफ़ेद क्यों दिख रही हो या क्या हुआ, बीमार हो, एंड दिस यू गेट इट वेरी ऑफन मंथ आफ्टर मंथ। दीज आर ऑल पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मेजर प्रॉब्लम एंड जस्ट नॉट यू नो कि पीरियड पेन नॉर्मल है या यू कैन जस्ट डिसमिस इट। नो, यू कैन नॉट डिसमिस इट, यू शुड कम टू द डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट, यू शुड गेट योर टेस्टिंग्स डन टू सी वेदर यू डू हैव दिस प्रॉब्लम, बिकॉज नाउ वी डू हैव ट्रीटमेंट फॉर इट, वी एंड यू कैन गेट बेटर, यू कैन थिंक ऑफ अ नॉर्मल लाइफ। ऑल्सो वन प्रॉब्लम विथ एंडोमेट्रियोसिस इज डिसपैरायूनिया, जिसको हम सेक्सुअल पेन बोलते हैं या पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम अमंग्स कपल्स फॉर विच वी सी बहुत कुछ अनबन भी हो जाती है। तो इस दिस इज ऑल्सो पॉइंटिंग टूवर्ड्स इट यू कैन बी हैविंग एंडोमेट्रियोसिस। These are mainly the problems that we deal with endometriosis.